पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा राजधानी देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी पहल की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से पंचायती राज को मजबूत करने पर बल मिलेगा। होगा तो राम राज्य आएगा। आज पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमने ये इनकी कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से भी लगभग 30 प्रतिनिधि आने वाले हैं। मैंने वहाँ के बड़ा नज़दीक से देखा है तो आज वहाँ जो पंचायती राज लागू हुआ है एक्ट, ये अपने आप में अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है और वहाँ पर भी धरातल पर काम उतरने लगे हैं। तो आज उनके बीच में उनका हम स्वागत करेंगे, उसके साथ साथ उनके बीच में विचार विमर्श करेंगे और इसके साथ साथ केरला को हमने और हिमाचल को हमने स्टडी प्रांत बनाया है, स्टेट बनाया है। तो निश्चित रूप में हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे और इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक फैसले होंगे जिससे कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मजबूत होंगे। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा बेहद सरल और सुगम होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पास पंचायती राज विभाग के साथ साथ पर्यटन एवं तीर्थन विभाग भी है। चारधाम यात्रा को लेकर सतपाल महाराज काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु और पर्यटकों की ओगी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सरल और सुगम हो, उसकी तैयारियां हैं और आप देखेंगे कि इस समय नीचे गर्मी पड़ रही है तो यात्री पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है और निश्चित रूप में हमने जो हमारे मंदिर हैं, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और हमारे वैष्णव मंदिर हैं, उनको भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम आग्रह करेंगे कि और स्थानों पर भी यात्री जाएं और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें।